ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है, जबकि इस मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया। ये मुआहदा था, चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है, जबकि मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ये कंपनियां थीं जो कि चीनी फराहम नहीं कर रही थीं, इसी पर कार्रवाई की गई है और इन शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। आपको बताते चलें कि 9 शुगर मिल्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है और इस मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है, जबकि इस मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया। ये मुआहदा था, चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया है, जबकि मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ये कंपनियां थीं जो कि चीनी फराहम नहीं कर रही थीं, इसी पर कार्रवाई की गई है और इन शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। आपको बताते चलें कि 9 शुगर मिल्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है और इस मुआहदे के तहत चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया।